एक बार क्या होता है कि एक सी बीच पे यानी कि एक समुद्र के किनारे एक आदमी एक घरौंदा बना रहा होता है, तो लहरें आती हैं, बार बार टकराती हैं उससे और घरौंदा टूट जाता है। फिर जैसे ही वो उसको ठीक करने लगता है, उसको लगता है कि अब सब सही हो रहा है, फिर टूट जाता है, फिर टूट जाता है, फिर टूट जाता है। वो चाहता है एक परफेक्ट घरौंदा बनाना जिसमें वो आराम से पीसफुली रह सके, जो पूरी तरह से सिक्योर हो, जहाँ पर किसी तरह का कोई डर ना हो, जहाँ पर पूरी आज़ादी हो। बट यहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्शन है, घरौंदे में आज़ादी नहीं हो सकती, छोटा सा घरौंदा है उसमें आज़ादी कैसे, आज़ादी तो खुले आसमान में है। बट वो उसी में रह रहा है, उसी को बार 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 बनाने की कोशिश कर रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर एक मिनट बाद, हर एक दिन बाद, हर दो दिन बाद एक लहर आती है और एकदम से सब कुछ तहस नहस करके चली जाती है। जैसे उसको लगने लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है मेरी लाइफ में, ये जो घरौंदा है ये उसकी लाइफ है, जैसे उसको लगता है कि मेरी लाइफ में सब ठीक हो रहा है, काम है, रिलेशनशिप्स है, हेल्थ है, एक को ठीक करता है, मतलब इस घरौंदे के तीन पिलर्स हो गए ना, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप्स, एक को ठीक करता है, कभी एक टूट जाता है, फिर दूसरे को करता है, तीसरे, तो कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आती जब तीनों चीज़ें परफेक्ट बैलेंस में हो, और आती भी है तो थोड़ी देर के लिए रहती है फिर एकदम से चली जाती है, क्योंकि तो चीज़ों को ठीक करने में बहुत टाइम लगता है लेकिन खराब होने में एक सेकेंड लगता है, जस्ट वन सेकेंड। तो वो ये एफर्ट कर करके थक चुका है और पूरी दुनिया यही कर रही है और कुछ आता ही नहीं है दुनिया को। और मजे की बात क्या है कि आपका जो घरौंदा है वो अगर टूट जाए तो औरों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये दुनिया ऐसी है कि वो अगर हर एक को ये पड़ा है कि मेरा घरौंदा बड़ा हो जाए तो वो आपके भी घरौंदे में से चाहे छोटा सा है, वहाँ पे आप सफोकेट हो रहे हो ऑलरेडी, आपके रहने के लिए भी जगह नहीं है, इतना भी नहीं है वहाँ पे, फिर भी अगर उनका बस चले तो वहाँ से भी नोच करके अपने में बड़े में डाल देंगे, अपने मेंशंस बनाने में लगे हुए हैं, मिट्टी के मेंशंस, टूट उनके भी रहे हैं, सिक्योर वो भी नहीं है, वो भी डर में जी रहे हैं। तो सबको अपनी पड़ी हुई है कि अगर इस घरौंदे में कोई मर भी गया तो उधर से जो लोग आएंगे वो कहेंगे अबे यार टाइम निकालना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ये प्यार है। तो हर कोई अंदर से बहुत ही अकेला है और थका पड़ा है, थका दिया इस लाइफ ने, टॉर्चर ही टॉर्चर, टॉर्चर अनलिमिटेड टॉर्चर, इस टॉर्चर का कहीं कोई एंड भी नजर नहीं आता है। हाँ, इल्यूजन्स क्रिएट कर सकते हो कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ ठीक होगा, जब मेरी बॉडी भी ठीक होगी, माइंड भी ठीक होगा, रिलेशनशिप्स भी ठीक होगी, पैसा भी होगा, ये भी होगा, सब कुछ होगा। इस इल्यूजन में हम जीते रहते हैं तो उस वक्त बड़ा अच्छा फील हो रहा होता है, क्योंकि माइंड रेस्टलेस नहीं होता है उस टाइम पे, तो उसी स्टेट को हम बार बार अचीव करना चाहते हैं, लेकिन वो अचीव कैसे होगी क्योंकि रियलिटी तो कुछ और ही है। रियलिटी है कि कुछ भी सही नहीं है, ये रियलिटी है, बट हम रियलिटी को देखते नहीं हैं, अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं और अपनी इमेजिनेशन में जीते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब इतने सारे घरौंदों में से कोई एक बंदा इस सब खेल को देखता है, समझता है, कहता है कि इस सब में तो कुछ भी नहीं पड़ा है, इसका तो कोई एंड है ही नहीं, लेट मी फाइंड आउट इफ देयर इज समथिंग मोर टू इट, समथिंग मोर मीनिंगफुल इस मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस के अलावा भी, जिस तरह से सब जी रहे हैं उसके अलावा भी क्या कोई और ऐसा वे ऑफ लाइफ है जिसके बारे में इस पूरी दुनिया को कुछ नहीं पता है। तो उसने इंक्वायरी शुरू करी। इंक्वायरी क्या थी, जो बड़ी ही अजीब थी, कि मैं कौन हूं, क्या मैं इस घरौंदे को बनाने वाला हूं, क्या मैं ये घरौंदा हूं, इस घरौंदे को एक मिट्टी का पुतला बना रहा है, किसको बना रहा है, मिट्टी के घरौंदे को। ज्यादा हो रहा है या आ रहा है कुछ, मिट्टी के घरौंदे को कौन बना रहा है, एक मिट्टी का पुतला बना रहा है। तो उसने क्वेश्चन करा कि इस मिट्टी के पुतले में और घरौंदे में फर्क क्या है, ये भी मिट्टी वो भी मिट्टी, क्या मैं मिट्टी हूं, कौन बना रहा है इसको, मैं बना रहा हूं, मैं मतलब क्या, मिट्टी बना रही है, फिर तो ये भी मैं हूं वो भी मैं हूं, बड़े अजीब अजीब से सवाल होते हैं।
फिर वो एक एक करके लेयर्स को हटाता चला गया, एज इट इज चीजों को देखता चला गया। उसका साइंटिफिक माइंड है, क्वेश्चनिंग माइंड है। साइंटिफिक माइंड वो नहीं जिसको हम साइंटिफिक माइंड समझते हैं कि साइंस की कुछ बुक्स पढ़ी और उसको इन्फॉर्मेशन को अंदर फीड किया, उसके हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। वो साइंटिस्ट नहीं है, वो तो तोता है, रोबोट है। साइंटिफिक माइंड मतलब जो चीज जैसी है एज इट इज उसको देखता चला जा रहा है। जिस मटेरियल की ये बॉडी बनी है उसी मटेरियल का वो घर बना है, जिस मटेरियल की ये बॉडी बनी है उसी मटेरियल के अंदर मेमोरीज बनी है। दिस मेमोरी विच वी कॉल इट एज माइंड इज ऑल्सो मटीरियल प्रोसेस। यानी वो पुतला जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्ट कर रहा है वो सॉफ्टवेयर भी मिट्टी का बना है। और एक्ट किस लिए करता है? पूरी जिंदगी एक ऐसे घरौंदे को बनाने के लिए जो पल पल मिट रहा है, जिसका एंड क्या है? मौत। उस मिट्टी के पुतले का भी एंड क्या है? मौत। कहीं सिक्योरिटी नहीं है यहां पर, इल्यूजन है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी एक्चुअल में कहीं नहीं है। तो उसने सवाल पूछना शुरू किया, ये नहीं कि घरौंदा क्या है, ये दुनिया क्या है, वो ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। बाकी मिट्टी के पुतले क्या करते हैं? उनका इंटरेस्ट होता है सिर्फ औरों में। चलो इंस्टाग्राम पे देखते हो, मिट्टी के पुतले ने नए कपड़े क्या पहने हैं, मिट्टी के नए कपड़े आए हैं लाल पीले, देखते हैं बड़े सही लग रहे हैं। लोगों का उसी में इंटरेस्ट है कि और जो पुतले हैं वो क्या कर रहे हैं, या औरों के घरौंदे कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं। इस घरौंदे में सब कुछ आ गया, जहां तक भी आप सोच सकते हो। तो उसने ना घरौंदे को क्वेश्चन किया, ना और मिट्टी के पुतलों को क्वेश्चन किया, उसने खुद को क्वेश्चन किया, ये जो मिट्टी है ये मिट्टी किस चीज की बनी है? जैसे बर्फ पानी की बनी है और जो स्टीम है वो पानी से बना है, तो व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल ऑफ दिस? पानी की लहरें आ रही है ना जो इस घरौंदे को मिटा रही है, तो क्या ये जो पानी की लहरें हैं और ये जो मिट्टी का घरौंदा है और ये जो मिट्टी का पुतला है, इनके सोर्स अलग अलग हैं? यानी पानी एक अलग रियलिटी है, मिट्टी एक अलग रियलिटी है, या जो मिट्टी है और पानी है उसकी रियलिटी सेम है? क्या कोई ऐसा सब्सटेंस भी है जो सब में है? उसने इंक्वायरी करी तो एक ऐसा सब्सटेंस नजर आया, एक ऐसा सब्सटेंस जो हर जगह है। मिट्टी हर जगह नहीं है, पानी हर जगह नहीं है, कुछ ऐसा नजर आया जो हर जगह है। फिर उसने जब खुद की एक एक करके लेयर्स को हटाया, यानी मिट्टी के पुतले ने अपने में से मिट्टी को हटा दिया, मतलब मिट्टी को मारा नहीं, थॉट के लेवल पे मिट्टी को हटा दिया, मैं मिट्टी नहीं हूं, तो मैं क्या? फिर वहां से कुछ ऐसा निकल करके आया जो वहीं था, मतलब ऐसा नहीं कि उसने कुछ पैदा किया, वो वहीं था। यानी उस मिट्टी के पुतले का बेस, उसका सोर्स, उसकी फाउंडेशन उसको नजर आई और उसने देखा कि वो जो सोर्स है, वो जो सबस्ट्रैटम है, यानी वो जो मटेरियल है, वो मटेरियल कॉन्शियस है। यानी कॉन्शियसनेस वो नहीं है जैसा साइंस समझती है। कॉन्शियसनेस का साइंस मतलब ये समझती है कि एकदम से एक मिट्टी के पुतले में जान आ जाती है और फिर वो कॉन्शियस हो जाता है, फिर वो निकल जाती है, फिर वो अनकॉन्शियस हो जाता है, ये सब बकवास। उसने क्या देखा, क्या रियलाइज किया, कि वो जो इस सब का सोर्स है, यानी किसका सोर्स है? एक मिट्टी के पुतले का नहीं, हर मिट्टी के पुतले का, हर घरौंदे का, उन लहरों का जो इसको मिटा रही है, उन सबका भी कोई सोर्स है ना, वही सोर्स कॉन्शियस है। और मेरी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है दैट इज कॉन्शियसनेस। मुझ में से अगर इस अवेयरनेस को निकाल दिया जाए, इस यूनिवर्स में से इस अवेयरनेस को निकाल दिया जाए, इस कॉन्शियसनेस को निकाल दिया जाए, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस? तो वो कहां पहुंचा? वो यहां पहुंचा विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट कि मैं ही वो सब्सटेंस हूं। I am that conscious substance, that living substance.